आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के पार्ट 567वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी का रेट रैक पॉइंट हम बता रहे हैं, इसलिए आपको पता है सिवनी का रैक पॉइंट यहां से लेकर वहां तक, उस सिरे से लेकर इस सिरे तक कहीं एक बोर्ड लगाने की सहमत नहीं उठाई है रेलवे ने। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्वामित्व वाला ये रैक पॉइंट है, यहाँ कम से कम एक सिवनी ही लिख दिया जाता। माल गोदाम सिवनी, रैक पॉइंट सिवनी, जो भी तकनीकी भाषा में कहा जाता है रेलवे के, वो यहाँ पर लिख कर लगाया जा सकता था। बात होती है सुरक्षा की, बात होती है संरक्षा की। रेलवे हमेशा दुहाई देता है सुरक्षा और संरक्षा की। किस तरीके की सुरक्षा, किस तरीके की संरक्षा यहाँ पर हो रही है, इसकी वानगी हम आपको दिखाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन में पहले भी हमने आपको लगभग 7-8 महीने पहले कहा था, ये रैक पॉइंट की गुणवत्ता, ये देखिए यहाँ पूरा आपको नीचे अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पूरी सीमेंट और रेत निकल कर बाहर आ चुकी है। उसके बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई किसी भी जिम्मेदार के खिलाफ नहीं हो पा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो केंद्र हो या राज्य सरकार, आप जो मर्जी कर लीजिए, आप जितना मर्जी शिकायतें कर लीजिए, जो भी अनैतिक काम कर रहे हैं, जो भी नियम विरुद्ध काम कर दे, माफ कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये शराब की बोतल हमारे पैरों के नीचे आ गई। ये शराब की बोतल दिख रही हो, खुला आता बन चुका है, और इसके अलावा यहाँ कांच बिखरे पड़े हुए हैं, कांच पूरी तरह बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर शराब की बोतलें फोड़ी जाती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, अन्यथा यहाँ पर कांच और किस चीज के आ सकते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ से लेकर वहाँ तक रैक पॉइंट पर, कहीं पर भी ये रैक पॉइंट कहाँ का है इस बारे में कहीं उल्लेख नहीं है। यहाँ कोई शेड नहीं है, हम लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पानी के पाउच, और यहाँ अगर हम आपको नीचे भी दिखाएं तो यहाँ देखिए डिस्पोजेबल ग्लास, पानी के पाउच, यहाँ इस बात की चुगली कर रहे हैं कि यहाँ पर शराबखोरी दिल से की जाती है। यहाँ बहुत शराब की बोतलें फूटी पड़ी हुई हैं, और यहाँ लोग घूमने आते हैं। देखिए आप लोग यहाँ रोज आते हैं साहब? अल्टरनेट तो ये यहाँ ये कांच जो पड़ा हुआ है ये किसका हो सकता है? ये वही है, शराब की बॉटलों का है। तो यहाँ कोई इस तरीके की कोई यहाँ नहीं, यहाँ कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी कोई नहीं, खुला हुआ है, बस जो आए अपना इस टाइप से चलता है। आप यहीं सिवनी में ही रहते हैं, तो आप अगर आपसे ये जानना चाहे कि सिवनी में रेल सुविधा आरंभ हुई है तो भोपाल जाने के लिए व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं? नहीं है, कहाँ हुई है, वो तो यहाँ एक पैंच वैली चलती है और पातालकोट जाती है, पातालकोट सुबह जाती है और पैंच वैली तो आती है जाती नहीं है। हाँ, यही रुक जाती है। नहीं, यहाँ से पैसेंजर बन के जाती है, पर हाँ। शाम को अगर आपको पैंच वैली शाम के लिए नहीं है, शाम के लिए साधन नहीं है, तो यहाँ होने चाहिए, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी। तो इसके लिए किसको प्रयास करने चाहिए? अब यहाँ के जो नेता है उनको प्रयास करना चाहिए, केंद्र का मामला है। आप क्या मानते हैं कि बालाघाट के सांसद डॉक्टर डाल सिंह बिसेन प्रयास कर रहे हैं? सांसद को प्रयास करना चाहिए। आप क्या मानते हैं, प्रयास कर रहे हैं? अभी तो इसके संबंध में जानकारी नहीं है, प्रयास सांसद महोदय क्या कर रहे हैं कोई जानकारी भी नहीं है, पर प्रयास तो होना चाहिए। एक साल हो गया इसको, तो 2.5 साल हो गया है रैक पॉइंट बने हुए, और 24 अप्रैल से 24 मई, 24 जून, 24 जुलाई, 3.5 महीने हो गए हैं रेल आरंभ हुए। 3.5 महीने बाद भी क्या संतुष्ट हैं आप यहाँ की सुविधाओं से? नहीं, सुविधाएं नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं, नहीं यहाँ किसी, बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ किसी तरीके की सुविधाएं नहीं है। इसके अलावा हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं आम जनता क्या कह रही है, हम आपको बताते हैं, आपको हमने बताया, और अब देखिए यहाँ पर सुरक्षा और संरक्षा की हम बात करते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ इस रैक पॉइंट को बंद कर दिया गया था गर्डर लगाकर, ये हम यहाँ खड़े हुए हैं, देखिए गर्डर को तो काट दिया गया है यहाँ से, अगर आप करीब ला के देखेंगे यहाँ से तो ये यहाँ से कटा हुआ, यहाँ इस तरफ देखिएगा, इस तरफ ये यहाँ देखिए कटा हुआ स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिखाई देगा, ये नट को काट दिया गया है, गर्डर बाहर पड़ा हुआ है। ये एक यहाँ पर
वाशर लगा हुआ था, वाशर भी यहाँ डला हुआ है। इस तरफ का गर्डर भी तोड़ दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए तो इसको हटाकर गर्डर को उठाकर नीचे रख के मोटरसाइकिल और वाहन निकल रहे हैं। यहाँ भी इसको ये गर्डर को काट दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा संरक्षा किस तरह की है ये देखिए, यहाँ पर भी इसे भी झुका दिया गया है, पर चूंकि लोग ना निकल पाए इसलिए रेलवे ने वैकल्पिक तौर पर एक स्लीपर यहाँ डाल दिया है। ये यहाँ किसने काटा, कुछ जानकारी है? वो रेलवे का ऑर्डर लगा हुआ है। नहीं, ये तो कट गया है। नहीं, ये कटा हुआ लगा हुआ है सवरा, और ये वाला जो निकल गया वो निकालेगा किसी ने, किसी ने निकाल दिया। तो वो अभी हमने लगवाया था, उसको दो बार लगवा दिए। अच्छा, आपने लगवाया? हाँ, वो एक बार वो साहब आए थे, साहब को बोल के कंप्लेंट करे थे साहब से, तो साहब ने लगवाया था उसको फिर से की। अच्छा, तो जो 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 सिल्ली जो रखी है, हाँ, वो सिल्ली क्या हुआ था, जो गिर गया था वो वाला, हाँ, तो वो सिल्ली से गाड़ी निकाते थे, पत्थर रख लिए थे तो सिल्ली से गाड़ी निकाते थे, वो सिल्ली वहाँ डली थी। अच्छा, लड़के लोगों ने उधम कर करके यहाँ सिल्ली ला के रखे, सिल्ली भी यहाँ रख दी और वो भी किसी ने निकाल दिया। सुरक्षा संरक्षा किस तरह की है रेलवे की, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ये देखिए, यहाँ पर इसको तो पूरा काट कर अलग कर दिया गया है, यहाँ पर ये काट दिया गया है। यहाँ पर कल अच्छा था, आप बता रहे हैं कल यहाँ पर, कल ठीक था ये? अच्छा, ये देखिए, ये आप बता रहे हैं ये नट निकाल दिया गया है? हाँ, ये काट दिया गया है, काट दिया गया है। देखिए, इसको काट दिया गया है यहाँ पर, और इसे हाँ उसमें ये देखिए, यहाँ इस तरह से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। रेलवे, इस रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है। अगर आप रेलवे की कहीं वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है, ये इसे क्या माना जाए? आपके सामने एक मोटरसाइकिल के द्वारा इसे हटाकर, अभी जो गर्डर लगाए गए थे उसे हटाकर यहाँ से निकला गया है। कहाँ हैं रेलवे के अधिकारी, कहाँ हैं रेलवे के सुरक्षा में लगे लोग? सिवनी में रेलवे की चौकी संभवतः स्वीकृत है, रेलवे के सूत्रों का कहना है, पर आज दिनांक तक रेलवे में इस कोई भी यहाँ पर जीआरपी आरपीएफ कोई भी जवान यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो आप बताएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जब बार बार इन्हीं सारी चीज़ों को रेखांकित किया गया तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ दो शिकायतें की गई थी। दो शिकायतों में शिकायतों की प्रति सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई, तो एक ही शिकायत पर सूचना के अधिकार में काम किया जा रहा है, सिर्फ एक शिकायत। दूसरी शिकायत में सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। दूसरी शिकायत की गई थी बाकायदा सील लगाकर सिवनी के स्टेशन प्रबंधक के द्वारा। सिवनी के स्टेशन प्रबंधक ने जो शिकायत की थी उस शिकायत का क्या हुआ, इस बारे में अभी तक पहली अपील के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई। दूसरी जी, हाँ आइए आइए, आपसे भी बताइए, हम तो आपके लिए ही बताएं। यहाँ पे पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, यहाँ पे देखिए गिट्टी वाला रास्ता बना के रखे हैं, क्या है जी? यहाँ पे पक्की सड़क बनाना चाहिए था, वो नहीं बनाए। पक्की सड़क यहाँ बननी थी और लगभग बनाए 1.5-2 साल से आदमी यहाँ परेशान हो रहा है, और हम तो हमेशा यहाँ पे हमारे सेठ लोग बैठे हैं अच्छे अच्छे, हम तो हमेशा ये कहते आए हैं कि यहाँ पर कोविड में लोगों के फेफड़े खराब हुए हैं और रेलवे धूल फकवा रहा है। यहाँ पे देखिए ना, बिल्कुल तो धूल हम फकवा रहे हैं, हमको रेलवे के अधिकारी और ये नहीं बोल रहे, किस ध्यान ही नहीं दे रहे ना सांसद को, यहाँ कहना चाहिए यहाँ के सांसद भी ध्यान नहीं दे रहे ना अभी, तो ये नहीं है। ये स्थिति है सिवनी में, आप चूंकि आपके जैसे जागरूक लोग अगर बोलना आरंभ कर दें तो ये मगर यहाँ हम लोग बोलेंगे भी तो हमारी बातों को दबा दिया जाता है, बिल्कुल नहीं दब पाएगी आपकी बात। हम चूंकि अगर आपके साथ खड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये रेलवे बोर्ड तक ये बात जाएगी,
ढाई साल से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर रेड बॉल बोर्ड ने जो काम कराया है तो उसको उसको सोचना चाहिए था कि वो रोड भी बनाए जो हमारी जनता के लिए काम आए। नहीं, इसके लिए आपको मैं बता दें, हम आपको बता दें, ये सड़क रेलवे की निजी सड़क है और रेलवे वहां पर एक बैरिकेड लगाकर उसको बंद करेगा। रेलवे के ही वाहन यहां से जाएंगे आएंगे, ये आम जनता के लिए नहीं बनाई गई। आम जनता के लिए अगर इसे खुलवाना है तो इसके लिए आपके सांसद खुलवा पाएंगे। तो हमारे फिर सांसद बनने आए काय के लिए हैं, जब इतना कुछ नहीं कर पाए तो मतलब क्या है? पहली बात तो जो भी है ना, तो ये बात आप सांसद जी से कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं, जो हमारे ढाल सिंह बिसेन जी हैं, वो तो बालाघाट वाले हैं, अब उनसे क्या बोले? नहीं, वो सिवनी के रहने वाले हैं। सिवनी में कहाँ रह रहे हैं? सिवनी में कौन बोलता है? सिवनी में बारापत्तर में रहते हैं और बालाघाट के विधायक रहे हैं, चार बार विधायक रहे नहीं है। यहाँ कौन बोलता है? हमारे सेठ जी भी हैं, हमारी पब्लिक भी जानती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? नहीं, वो तो है ना, रोड तो बननी चाहिए नहीं ना, जो रोड बनना चाहिए था रोड को रहते हैं क्या ढाल सिंह यही बताओ ना जी, रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं सांसद जी यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं, बताओ ना, सबको समझ नहीं आता। तो आप इस बारे में कुछ कहने नहीं चाहते? खैर, जो भी है वो पब्लिक बोलना नहीं चाह रही है, हमने तो बोल दिया है, वो पेश किया। पब्लिक यहाँ पर थोड़ा सा लोग बोलने से कतरा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, आपका कहना ऐसा है तो हम आपको बता रहे हैं। ये रैक पॉइंट कहाँ का है, अगर फोटो डाल दी जाए तो सिवनी वाले भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें इस सिरे से उस सिरे तक कहीं पर सिवनी भी नहीं लिखा हुआ है। ये स्थिति है और यहाँ पर जो अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके की संरक्षा है, किस तरीके की सुरक्षा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ मिलिमटी की लालटेन के 566वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में मिलिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट को देखें या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 568वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।